फरवरी में नगर निगम शिमला के किए गए पुनर्सीमांकन पर लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है। नाभा वार्ड से निवर्तमान पार्षद सिमी नंदा पुनर्सीमांकन के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीसी शिमला को याचिकाकर्ता की आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए, लेकिन डीसी ने आपत्तियां सुनने के बावजूद इसका निपटारा नहीं किया। इसे लेकर पार्षद सिमी नंदा ने डीसी शिमला पर मनमाना रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। सिमी नंदा ने कहा कि शिमला डीसी खुद को उच्च न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं और प्रदेश सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। कोर्ट में भी गई थी, मैं इसमें यही कहूँगी कि जो स्टार्टिंग से पूरी प्रक्रिया डिलिमिटेशन की करी गई है वो इसी मंशा से करी गई है कि जो एमसी इलेक्शन है उसको या तो एक तो उनकी फेवर में डाला जाए, क्योंकि वार्ड्स बटे इस तरीके से हैं कि उन्होंने डिवाइड करे हैं, जो कांग्रेस के जो वार्ड्स हैं उनको डिवाइड करके अपना कोशिश करिए कि हम जीते हैं। और जो प्रोसेस पूरा फॉलो किया गया, अभी हमने जो ऑब्जेक्शन भी रेज करे सारा कुछ किया, उसमें सरकार की सीधी मंशा है कि इलेक्शन को जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करें। हम डिलिमिटेशन ऑर्डर के अगेंस्ट डीसी के पास भी गए, डिविजनल कमिश्नर भी गए, फिर हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया। बार बार गलत ऑर्डर्स देने का मतलब सिर्फ एक ही है कि बीजेपी शासित सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पे इलेक्शंस हों, क्योंकि जानते हैं कि नगर निगम में अगर आज की डेट में इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस जीतेगी और इनको आने वाली विधानसभा में भी जीत जो है वो सुनिश्चित करनी मुश्किल हो जाएगी। कारण पर मैंने पूरा सवाल उठाया, बिकॉज जो हमारा HPMC एक्ट है और जो HPMC इलेक्शन रूल्स है उसके अगेंस्ट जो है वो पूरा काम किया गया है। इलीगल प्रोसीजर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो किया गया है और हर जैसे ऑर्डर के बाद भी जब वापस ऑब्जेक्शन सुनने हैं और वापस ऑर्डर देना है उसके बीच में इतना ज़्यादा टाइम स्पैन ये ले रहे हैं कि वो पूरा जो प्रोसेस है वो डिले कर करके धीरे धीरे किया जा रहा है। आज भी ऑर्डर को आए 6 दिन हो गए हैं, 21 सितंबर का हाईकोर्ट ने दूसरी बारी ऑर्डर हमारे फेवर में दिया कि इसको वापस ऑब्जेक्शन को सुना जाए और 6 दिन में अभी तक डीसी शिमला द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन के लिए हमें ना कॉल किया गया है और यही लग रहा है कि जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करने के टैक्टिक्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं।